नमस्कार दोस्तों, हम खास कर देखते हैं जब भी हम घर बनवाते हैं तो उसमें बालकनी तो जरूर ही बनवाते हैं। और बालकनी का सबसे ज्यादा महत्व इसलिए माना जाता है, ताजी हवा का लेना और सबसे ज्यादा सूर्य के दर्शन होना बालकनी से ही किए जा सकते हैं, और इसलिए बालकनी को घर के अंदर खास माना जाता है। लेकिन बालकनी को इस प्रकार बनवाना चाहिए ताकि आपके घर में जो भी हवा आए वह शुद्ध आए और प्रकाश से होती हुई आए, जिससे कि आपके घर में जितने भी दुष्प्रभाव होते हैं वह सभी दूर हो जाते हैं। तो आज जानते हैं कि बालकनी किस प्रकार से हमारे घर में होनी चाहिए, जिससे हमारे घर में हितकारी लाभप्रद हवा आएगी। यदि आपका घर पूर्व की दिशा में पड़ता है तो आपको बालकनी पूर्व की दिशा में बिल्कुल नहीं बनवानी है। उत्तर या पश्चिम में आपकी बालकनी होनी चाहिए, क्योंकि बालकनी अगर उत्तर और पश्चिम दिशा में पड़ती है तो उससे हवा गुजरती हुई आती है, और गुजरती हुई हवा आपके घर में लाभप्रद और जितनी भी सारी समस्याएं हैं वह सभी दूर करती है। बालकनी यदि आपकी उत्तर पूर्व दिशा में पड़ती है तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। कहा जाता है यदि आप बालकनी बनवा रहे हैं तो इसका चयन करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा शुद्ध हवा आपके घर में प्रवेश करेगी उतनी ही आपके घर से रोग और नकारात्मक चीजें दूर हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से गुजरती हुई यह हवा आपके घर में प्रवेश करते ही आपके जीवन पे नया दिन और नई खुशियां लेकर आती है और समृद्धि के नए भाग भी लेकर आती है। तो बालकनी का चयन करते हुए इन बातों का खास कर ख्याल रखें कि आप बालकनी यदि पूर्वी दिशा में पड़ता है आपका भवन या घर, तो उसके लिए आप बालकनी उत्तर पूर्व दिशा में ही बनवाएं, क्योंकि वह आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।